हाउ मच रिक्वायर्ड टैलेंट फॉर सक्सेस, मेरा प्रश्न आपसे, अगर जिंदगी में आज के बाद जो बात मैं आपको भी बता रहा हूं, ये इमेजिनेशन अगर गहरे में सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई तो आप बापू हो बापू, दुनिया को जीत लोगे। इसलिए ध्यान से सुनना, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में कामयाबी के लिए टैलेंट कितना जरूरी है, आंसर दो। अरे उत्तर दो ना कुछ तो। 20%, 40%, 100%। जिंदगी में कामयाबी के लिए टैलेंट कितना जरूरी है, 100%, गुड। 1000%, वेरी गुड। 10%, आ गए लाइन पे कि यही नहीं बोला, ये बोल के देखो, देखे एक बार, जीरो। ये फिट बैठना चाहिए क्योंकि सर राजी नहीं हो रहे। 10, 20, 30, 40, 50 हजार, जीरो बोलो सर को, खुश हो जाएंगे। अरे अगर 10% भी जरूरत होती तो दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं, अरे जो अंधे थे और गूंगे थे, बोल तक नहीं सकते थे, लेकिन बापू बन गए दुनिया में। वो कैसे बन गए? अरे जिन्होंने जिंदगी में अक्षर ज्ञान नहीं लिया, अंगूठा छाप थे, वो बापू कैसे बन गए? अरे जिनको कुछ भी नहीं आता था, सिर्फ पहाड़ चढ़ना जानते थे, वो दुनिया में बापू कैसे बन गए? जिनको कुछ नहीं आता था, सिर्फ तबला बजाते थे, वो बापू कैसे बन गए? जिनको कुछ नहीं आता था, सिर्फ गाना गाना आता था, वो बापू कैसे बन गए? जिनको तैरने के अलावा दुनिया में कुछ नहीं आता था, वो बापू कैसे बन गए? इसका मतलब जिंदगी में कामयाबी के लिए कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। ऐसी 10 बातें बता रहा हूं जिनमें जीरो टैलेंट चाहिए। 10 ऐसी बातें बता रहा हूं जिसमें जीरो टैलेंट चाहिए। 10 ऐसी बातें बता रहा हूं जिसमें टैलेंट जीरो चाहिए। अब आपको मुझे ये बताना है कि ये 10 सक्सेस के लिए क्या बहुत है क्या? बताऊं? Yes. 10 things required 0 talent। टाइम पंक्चुअलिटी, 0 talent। अंगूठा छाप भी टाइम पे आ सकता है, एक पढ़ा लिखा भी टाइम पे आ सकता है, एक डॉक्टर इंजीनियर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कंप्यूटर कंसल्टेंट, एक गोल्ड मेडलिस्ट, एक साइंटिस्ट, एक सिंगर, एक राइटर, एक क्रिकेटर, एक गांव का पनवाड़ी, एक गांव का ग्वाला, एक गांव में भैंसे चराने वाला, एक दुनिया में साधारण मजदूरी करने वाला, ये सब लोग जिंदगी में टाइम पे आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? पूरी जिंदगी टाइम पंक्चुअलिटी कहती है, टैलेंट तू पानी भरता है रे मेरे आगे, टाइम पंक्चुअलिटी अगर जिंदगी में बना ली, कोई डिग्रियों की जरूरत नहीं है। अगर टाइम पंक्चुअलिटी आपने जिंदगी में कर ली, आपने टाइम को वश में कर लिया, जिसने टाइम की कदर कर ली, कोई सी डिग्री का मोहताज नहीं है टाइम पंक्चुअलिटी। कोई भी डिग्री नहीं चाहिए जिंदगी में टाइम पंक्चुअलिटी के लिए। खपा दो अपने आप को, लगा दो अपने आप को टाइम पंक्चुअलिटी के लिए। प्रकृति में महान आशीर्वाद है जिसने टाइम पंक्चुअलिटी अपनी जिंदगी में बना ली। टाइम पंक्चुअलिटी डिग्रियों की मोहताज नहीं है रे, टैलेंट की गुलाम नहीं है, ये प्रकृति का महान आशीर्वाद है। जिसने समय का पालन कर लिया वो जीत गया। दूसरी चीज, एथिक्स पे चलने के लिए जिंदगी में कितना टैलेंट चाहिए, कितनी डिग्रियां चाहिए, कितनी जिंदगी में नॉलेज चाहिए। अरे प्राणों से एक बात गुरु से जिंदगी में एक बार सुन ली, बेटा कभी अन्याय और अनीति का काम मत करना। जिंदगी में प्राण चले जाए लेकिन जिंदगी में अपने एथिक्स के ऊपर अपने बिजनेस को करना, इसके लिए कौन सी क्लास पढ़ा हुआ आदमी चाहिए? इसके लिए रंग गोरा होना चाहिए कि काला? इसके लिए डिग्री अमेरिका से चाहिए या भारत से? सुनो, जिस दिन अपने प्राणों की प्यास ने कह दिया प्राण चले जाएंगे लेकिन कभी अन्याय और अनीति नहीं करूंगा, नैतिक सिद्धांतों के ऊपर अपना जीवन चलाऊंगा, इसके लिए टैलेंट चाहिए। एफर्ट्स के लिए कितना टैलेंट चाहिए? अरे अपने एफर्ट्स, अपने एफर्ट्स, बीज को वृक्ष बनने के लिए कितना टैलेंट चाहिए? सिर्फ विध्वंस को झेलने का एफर्ट्स चाहिए। एक पत्थर को प्रतिमा बनने के लिए कितना टैलेंट चाहिए? सिर्फ छेनी और हथौड़ी की चोट सहने के एफर्ट्स चाहिए। एक दूध को घी बनने के लिए जिंदगी में कितना तैयारी चाहिए, कितना टैलेंट चाहिए? सिर्फ अपने को मिटाने जितना एफर्ट्स चाहिए। पानी भरता है टैलेंट एफर्ट्स के आगे। बॉडी लैंग्वेज की जो भाषा बोलती है, ये बॉडी की जो लैंग्वेज बोलती है, इसके लिए कितनी डिग्रियां चाहिए?
कोई डिग्री नहीं चाहिए। जब मैं 2007 में पहली बार मलेशिया गया तो इंग्लिश तो आप मेरी जानते ही हो, मास्टर हूँ मैं इंग्लिश में। अब वहाँ पे चाऊ में आऊँ चाऊ में आऊँ चाऊ में आऊँ, ऐसे लोग वहाँ पे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, ऐसे लोग हैं उधर मलेशिया थाईलैंड सिंगापुर, ऐसे लोग हैं समझते हैं, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। अब न तो ये समझे, न तो पूरी इंग्लिश समझे, न पूरी कुछ हिंदी समझे, अब वो मले समझते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा लफड़ा क्या है। बॉडी लैंग्वेज दुनिया की सबसे बड़ी भाषा, तो मैंने उनको बोला किधर है, तो वो इसको देख रहा है क्या है क्या है, समझ नहीं रहा वो। मैंने बोला टॉयलेट किधर है, अरे वॉशरूम किधर है, अरे मैंने कहा बता किधर है, मर गया तू, जल्दी बता नहीं तो तू गया काम से, तू बता किधर है। ओ भागो भागो भागो, समझ ही नहीं रहा। दुनिया के किसी भी देश में अपन चले जाएं, वहां की लैंग्वेज आए नहीं आए, अपन बॉडी से बता देंगे क्या चाहिए अपने को, क्या चाहिए अपने आप को। इससे काम चलाया मैंने 2007 8 9 10 11 में, कुछ भी। और मेरी वाइफ जहां जहां साथ जाती हो कहती आप में इतने नाटक आए कहां से, मैंने कहा तेरे बाद ही आए, दिल से बताओ और गंभीरता से बताओ बॉडी लैंग्वेज को। क्या बॉडी लैंग्वेज किसी टैलेंट की मोहताज है? जिंदगी में कभी नहीं। एक अकेली बॉडी लैंग्वेज से चार्ली चैपलिन ने पूरी दुनिया को अपनी अंगुली पे हिलाया कि नहीं लाया, अरे हिलाया कि नहीं लाया। टैलेंट पानी भरता है, अपनी इमेजिनेशन में एक घुसा पड़ा है कि यार बहुत भयंकर टैलेंट होगा तब इस बिजनेस में डायमंड बनेंगे, नहीं या उंगले पुंगले नाथा चौथा सब बन गए, आप भी बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 10 चीजें चाहिए जिसके लिए जीरो टैलेंट चाहिए, इनमें कमी नहीं चाहिए। एनर्जी के लिए कितना चाहिए रे, जो माँ 20 किलो वजन नहीं उठा सकती थी, जब बच्चा मिनी ट्रक के नीचे दब गया तो मिनी ट्रक उठा दिया, रे कोई सी क्लास पढ़ा हुआ नहीं चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए रे एनर्जी के लिए। जब भीतर की फोर्स जागती है सारी डिग्रियां सारा टैलेंट सारा ज्ञान धरा का धरा रहता है, और एनर्जी और ऊर्जा अपना रूपांतरण कर गुजरती है। आपकी डायमंडशिप इस बिजनेस में होने के लिए कभी अपने आप को हीन भावना से ग्रसित मत करना। जो भी आप हो पूरे हो पूर्ण हो। अच्छा एक बच्चा एक साल का और एक 5 साल का, इनमें से आदमी कौन? अच्छा एक सोना 100 ग्राम और एक सोना 1 किलो, तो सोना कौन सा? अरे की साहब मात्रा का फर्क है, गुण तो सारे के सारे 36 मिलते हैं। जिंदगी में एनर्जी वो चीज है जो आपको जिंदगी में किसी टैलेंट की मोहताज नहीं है। अपनी एनर्जी जगाओ यार, अपनी एनर्जी जगाओ, अपनी एनर्जी जगाओ। जब सपनों की एनर्जी आग बरसाती है, टैलेंट की एनर्जी पानी भरती है। किस अपेक्षा से कह रहा हूं ये सारी बातें? मैं टैलेंट का उपहास नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना। ये बात आप सुनने के बाद कहो सर फिर वो सारे टैलेंट नहीं रे, मैं भी उनकी अपेक्षा से बात नहीं कर रहा, मैं भी उन करोड़ों लोगों की अपेक्षा से बात कर रहा हूं जो सिर्फ टैलेंट नहीं होने की वजह से अपने आप को हीन भावना से ग्रसित मान लेते हैं। मैं टैलेंट के विरुद्ध में नहीं हूं, मेरी बात को सही पकड़ना, हर बात के दो अर्थ होते हैं। टैलेंट मतलब गलत चीज नहीं, लेकिन करोड़ों लोगों के पास बेचारों के पास टैलेंट नहीं है, तो क्या टैलेंट नहीं है तो कुछ कर गुजरेंगे नहीं? क्या कर गुजरेंगे? राम बुद्ध महावीर और कृष्ण बनने के लिए कितनी डिग्रियां लेनी पड़ी थी, सिर्फ भीतर की एनर्जी को सही रूपांतरित कर दिया था और दिख गया ज्ञान में सब कुछ जीवन में, क्योंकि एनर्जी में पावर है। कोई डिग्री नहीं चाहिए एनर्जी के लिए। एटीट्यूड पॉजिटिव रखने के लिए कितनी डिग्रियां चाहिए, कितना टैलेंट चाहिए? अरे अंगूठा छाप भी ये कहेगा जिंदगी में मैं कुछ कर गुजरता हूं। डेविड और गोलियत की स्टोरी सुनिए, वो डेविड छोटा सा बच्चा जो गिलोल चलाता था, और वो गोलियत इतना जबरदस्त बड़ा राक्षस जिसकी छाती और सीना और पूरा बॉडी कहती थी भयंकर राक्षस, वो कहता था इसको गिलोल से मारूंगा। तो गांव वाले ने बोला बेटा वो इतना बड़ा है इतना भारी है तेरी गिलोल से क्या होगा? वो बच्चा बोलता है ये बड़ा है इसीलिए तो फायदा है, मेरी गोली बेकार ही नहीं जाएगी किधर तो जाके लगेगी उसके। ये एटीट्यूड कहाँ से लाओगे? एटीट्यूड जिसने जीत लिया वो जंग जीत गया। एक कहानी सुनिए 5वीं क्लास में अधूरी। एक राजा अंगूठा कट गया, मंत्री को बोला, मंत्री अंगूठा कट गया,
मंत्री ने बोला राजा मस्त रहे जोत अच्छे के लिए. राजा का दिमाग खराब, थप्पड़ मारा, साले मेरा तो कट गया, तू कह रहा अच्छा होता है, जेल में डाल दिया. मंत्री वहां भी खुश. अब ये गया शिकार खेलने, आदिवासियों ने पकड़ लिया, सबकी बलि, लेकिन राजा का शरीर खंडित, राजा को छोड़ दिया. राजा वहां से भागा, माफी मांगा, मर गया, रे 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 तूने सही बोला था. इतनी सुन रखी है ना, क्लाइमेक्स तो बाकी है, क्लाइमेक्स बाकी है, अब सुनो. उसने बोला मंत्री मुझे माफ कर दे, तुझे मैंने मारा और तुझे जेल में डाला, मुझे माफ कर दे. मंत्री ने बोला राजा माफी मत मांग, राजा मुझे कोई दुख नहीं, तूने मुझे मारा और जेल में डाला, उल्टा तू अगर मुझे नहीं मारता और जेल में नहीं डालता तो मैं तेरे साथ होता, मेरा कार्यक्रम लग जाता रे, मैं तो सही रहा जो इधर था. कितनी डिग्रियां चाहिए, अरे बताओ, इस एटीट्यूड के लिए कितना टैलेंट चाहिए रे. ये प्रकृति का महान आशीर्वाद है कि नेगेटिविटी आती नहीं. मेरा मोबाइल जब 18 मई सन 2015 को मुंबई की लोकल ट्रेन से चोरी हुआ तो मेरे पहले ये ख्याल नहीं आया कि चोरी हो गया, क्योंकि सॉफ्टवेयर में नेगेटिविटी है ही नहीं. मैं और मेरी वाइफ दोनों थे, अचानक देखा मोबाइल नहीं, ओ हो गिर गया, ये ख्याल नहीं आया चोरी हो गया, नहीं नहीं गिर गया, तो मैं इसको लेके कूद गया. 30 की स्पीड में ट्रेन थी, मैं कूद गया. मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं तो स्पोर्ट्समैन हूं, मैं लेके कूद गया. अब कूदने के बाद मैं तो अपने आप को संभाल लिया, संभाल नहीं पाई, लेकिन पकड़े रहा तो ठीक है, कुछ हुआ नहीं. आज भी मैं सोचता हूं यार तू ट्रेन से ही कूद गया, लोकल ट्रेन कितनी जल्दी स्पीड पकड़ती है. उतरने के बाद चारों तरफ ढूंढने के बाद, ओ चोरी हो गया, अरे पहले सोच लेते तो कूदते ही नहीं, चोरी की हो गया तो फिर क्या कूदते. लेकिन एटीट्यूड इतना पॉजिटिव है ना, ये नहीं आया पहले ख्याल में कोई चोरी कर लेगा, अरे गिर गया. एटीट्यूड टैलेंट का मोहताज नहीं है, पैशन, दीवानगी और पागलपन, एक जुनूनियत. कितना टैलेंट चाहिए? अच्छा, बीए पास का पैशन और बीएससी वाले का पैशन दोनों का टॉप होता होगा ना, जो बीए है उससे ज्यादा टॉप होता होगा ना बीएससी वाले का, और इनसे भी बापू जो होगा ना जो एमबीए किया होगा. अरे पैशन के लिए टैलेंट नहीं चाहिए. अगर एक इंसान टीचेबल हो, सीखने के जज्बात हो, इसके लिए कितना टैलेंट चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए. सीखने की ललक जिसमें हो, अरे एक ग्वाला भी सीख के जीवन में बहुत आगे जा सकता है. एक छोटा सा आदमी अपनी जिंदगी में सीख कर कहां से कहां पहुंच सकता है. थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करूं, थोड़ा और एक्स्ट्रा करूं, थोड़ा और एक्स्ट्रा करूं, इसके लिए कितना टैलेंट चाहिए? जिंदगी में कभी भी हीन भावना से ग्रसित मत होना कि साहब मुझ में टैलेंट नहीं है. तेंजिंग नोरगे सिर्फ लोगों को पहाड़ पे चढ़ाता था और रोज एक्स्ट्रा मेहनत करता था, और एडमंड हिलेरी को पहुंचा के दुनिया में नाम कर गया. क्यों? सिर्फ एक्स्ट्रा करता था, टैलेंट का कोई वो नहीं थी. जिंदगी लगा दी पूरी, पूरे शरीर की अंगुलियां ठंड में पिघल गई, लेकिन जिंदगी में कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है. सिर्फ अपनी जिंदगी में एक्स्ट्रा किया, एक्स्ट्रा किया और प्रिपरेशन. जिंदगी में तैयारी करने के लिए भी कोई टैलेंट नहीं चाहिए. जिसने तैयारी पूरी कर ली अपनी जंग को जीतने की, ये 10 चीजें मैं आपसे पूछता हूं, अपनी अंतरात्मा से आवाज आनी चाहिए आपके. ये 10 बातें किसी में अगर हो तो वो आदमी नाकामयाब हो सकता है क्या? जोर से बताओ, हो सकता है क्या? तो जब इन 10 बातों के लिए प्रकृति कहती है जा, ये टैलेंट मुक्त है, जीत ले दुनिया, जंग जीत ले पूरी दुनिया में, जा छा जा, जब इतना सब कुछ आपके लिए है, अब अगर टैलेंट होता है तो प्लस पॉइंट है कि नहीं है? अब टैलेंट अगर होगा तो इसमें प्लस ही होगा ना. आज के बाद कोई गांव का है, कोई शहर का है, कोई कम पढ़ा लिखा, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा, कोई कम जानता है, कोई ज्यादा जानता है, कोई बोलना कम जानता है, कोई ज्यादा, रे कुछ नहीं रे. ये 10 बातों में कहीं बोलना नहीं आया, ये 10 बातें ये कह रही है, तू प्रकृति को जीत लेगा, तेरी इमेजिनेशन में ये 10 बातें डाल ले, एक दिन सुख समृद्धि तेरे चरणों में आके लौटेगी.